नमस्ते, कैसे हो आप लोग? सबसे पहले थोड़ा सा मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। आज मैं ये बॉर्डर में ये पत्ती कैसे बनती है, ये इधर से इधर कहाँ बढ़ता है कहाँ घटता है, ये सब बताऊंगी। देखो इस तरीके से ये मैं हाफ जैकेट बना रही हूँ, लेडी स्वेटर है ये। अब मैं इसको बताती हूँ कि मैंने कितने फंदे डाले, कैसे मैंने शुरू करा है। तो मैंने ये फंदे डाल रखे हैं थोड़े, चार सिलाई मैंने बना ली थी पहले, दो आगे को उल्टा दो पीछे को उल्टा, ठीक है। अभी मैंने 10 फंदे बना लिए किनारे में, 9 फंदों की मुझे ज़रूरत है, एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा रखूँगी। तो मैंने ये 10 फंदे बना रखे हैं। अब मैं क्या करूँगी, देखो 3 फंदों का एक फंदा करूँगी। पहले थोड़ा पहली लाइन टाइट सी हो रही है, 3 का 1 कर दिया, फिर धागा इस तरीके से घुमाया, ये जाली भी डल गई, एक सीधा फंदा। अब धागा मैंने ऐसे घुमाना है, 2 फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी। उल्टे में एक फंदे की जाली हो गई, एक फंदा उल्टा हो गया, धागा आगे ही रखूंगी, फिर यहाँ पे भी जाली डालूंगी, फिर धागा घुमाया, इस फंदे को उतारूंगी और इन 2 फंदों का एक फंदा बना दूंगी। पीछे सिलाई डाल के 2 फंदों का एक फंदा, जो फंदा उतारा उसको गिरा दिया। इसमें मैंने 86 फंदे डले हैं मेरे। फिर मैं 8 फंदे सीधे बनाऊंगी, पांच फंदे, 6 7 8, 8 फंदे मैंने सीधे बना लिए। फिर मैं 2 फंदे यहाँ पे उल्टे बनाऊंगी, फिर मैं 8 फंदे सीधे बनाऊंगी, फिर चार पांच छः आठ फंदे, 8 फंदे मैंने बना लिए। अब फिर मैं 3 फंदों का एक फंदा करूंगी, सिलाई आगे डाल के 3 फंदों का एक फंदा कर दिया, फिर धागा घुमा दिया, फिर एक जाली बना ली, फिर धागा ऐसे उल्टा घुमाना है, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा आगे ही रखूंगी, जाली डाल दी, फिर धागा ऐसे घुमाया, इस फंदे को उतारूंगी पहले और इन 2 का 1 बनाऊंगी, उतरा हुआ फंदा इसके ऊपर गिरा दूंगी। अब फिर मैं 8 फंदे सीधे बनाऊंगी, 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे बना ले, फिर मैं 2 फंदे उल्टे बनाऊंगी, दो फंदे मेरे ये उल्टे बन गए। अब फिर मैं 8 फंदे सीधे बनाऊंगी, क्योंकि मैं अलग अलग डिब्बी का हिसाब बता रही हूँ, मेरे ये 29 फंदे कम से कम होने चाहिए एक डिब्बी में, 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे बना ले। अब फिर 3 का 1 करूंगी यहाँ पे, फिर 3 फंदों का एक फंदा बना लिया, फिर धागा घुमा लिया, फिर जाली डाल ली, फिर धागा उल्टा घुमाना है, 2 फंदे उल्टे, धागा आगे ही रखूंगी, एक जाली बन गई। अब एक फंदा उतारूंगी और 2 फंदों का एक बना के इसको भी उतारे हुए फंदे को भी गिरा दूंगी। अब मेरे किनारे में यहाँ पे 10 फंदे आने चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे 10 थे, यहाँ लास्ट में भी मेरे 10 फंदे आएंगे। उल्टी सिलाई में मैंने जहाँ जहाँ उल्टे बनाए वो पीछे से सीधे बनेंगे, बाकी सब फंदे मेरे उल्टे बन के जाएंगे। अब मैंने जैसे फली के बीच में 2 फंदे उल्टे बनाए, तो वो 2 फंदे मैं पीछे से सीधा बनाऊंगी।
ये दो फंदे मेरे उल्टे थे, पीछे सीधे जाएंगे, जहाँ जहाँ पे मैंने उल्टे डाले हैं वो पीछे सीधे जाएंगे, बाकी सब फंदे इस तरीके से उल्टे ही बुने जाएंगे। अब मैंने सात फंदे सीधे बना लिए, फिर तीन फंदों का एक, फिर जो जाली वाला फंदा था उसको सीधा बनाऊंगी, फिर जाली डालूंगी, फिर यहाँ पे जाली, अब ऐसी जाली पड़ेगी जैसे इस तरीके की। अब ये दो फंदे मेरे उल्टे आ गए बीच में, धागा पीछे करूंगी, एक सीधा बनाऊंगी, फिर जाली डालूंगी, फिर जाली डालूंगी। अब इस फंदे को उतारूंगी और इन दो का एक बना दूंगी और उतारे हुए फंदे को गिरा दूंगी। अब मेरे ये सात फंदे होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और एक सात, सात फंदे मेरे, छः फंदे होंगे मेरे, अब सात नहीं क्योंकि तीन का एक हो गया, छः फंदे होंगे। फिर दो फंदे मैंने उल्टे बना लिए, फिर मैं छः फंदे बुनूंगी, एक दो तीन चार पाँच छः। अब इन तीनों का एक बना दूंगी जिस पे मैं ये बना रही हूँ फली सी, तो इन तीनों का मैं एक बना दिया। फिर जाली वाले फंदा जो पिछली बार बनाया था उसको सीधा बुनूंगी, फिर जाली डालूंगी, यहाँ पे जाली के ऊपर जाली पड़ेगी इस तरीके से। अब दो फंदे उल्टे बीच में, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर जाली, इसको उतारूंगी और इन दो फंदों का एक बना के जो उतारा हुआ फंदा इसके ऊपर गिरा दूंगी। फिर छह फंदे सीधे, दो तीन चार पाँच छः, और फिर दो फंदे बीच में उल्टे हैं मेरे, फिर छः फंदे सीधे, फिर तीन फंदों का एक फंदा, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर दो फंदे उल्टे, फिर जाली डालनी है, फिर इसको उतारूंगी, इन दो फंदों का एक फंदा, फिर उतारा हुए फंदे को गिरा दिया। अब तीन चार पाँच छ सात, अब इधर मेरे नौ फंदे थे तो मेरे सात फंदे हैं और एक मेरा एक्स्ट्रा फंदा है जो सिलाई के लिए है। अब फिर मैं सीधी साइड आ गई, फिर तीन का एक बना लिया, अब मेरे दो फंदे सीधे आ जाएंगे, फिर जाली आएगी, जाली के साथ जाली आएगी, फिर दो फंदे सीधे हो गए, अब बीच में दो फंदे उल्टे हो गए, फिर धागा पीछे करके दो फंदे सीधे बनाऊंगी, फिर जाली डालूंगी, फिर इसको उतारा, दो फंदों का एक, फिर ये फंदा इसके ऊपर गिरा दिया। अब मेरे यहाँ पे चार फंदे आएंगे, अभी चार फंदे हो गए, दो फंदे उल्टे, अब फिर चार फंदे मैं सीधे बनाऊंगी, चार फंदे सीधे बने, फिर तीन का एक, इस तरीके से ये डिजाइन बनेगा। ये फंदे जो घटके जा रहे हैं यहाँ बीच में बढ़ जा रहे हैं, तो जब तक मेरा ये पूरे सीधे फंदे ख़त्म नहीं होंगे तब तक मैं ऐसे ही घटाती जाऊंगी हर सीधी सिलाई पे। ये दो फंदे जो बीच में मैंने उल्टे डाल रखे हैं इनको उल्टा ही रखना है, इनको नहीं घटाना है।
इस तरीके से। दो फंदे सीधे हो गए। दो बार जाली हो गई। फिर ये फंदा उतारना है। फिर इन दो फंदों का एक फंदा करना है, उतारा हुआ फंदा इसके ऊपर गिरा देना है। फिर चार फंदे सीधे आ जाएंगे। फिर दो फंदे बीच में उल्टे आ जाएंगे। फिर सीधी सिलाई आ गई। फिर तीन का एक करूंगी। अब मेरे तीन फंदे सीधे आ जाएंगे। पहले तीन फंदे सीधे आए, फिर जाली डाली है मैंने। फिर दो फंदे मेरे उल्टे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, जाली डाल ली, इसको उतारूंगी, इन दो का एक बनाऊंगी और उतारा हुआ फंदा इसके ऊपर गिरा दूंगी। अब मेरे दो फंदे आ गए। दो फंदे उल्टे, अब मैं दो फंदे बनाऊंगी। पहले दो फंदे सीधे बनाए, फिर तीन का एक बना दूंगी। तीन का एक बना लिया, फिर एक दो तीन, फिर जाली, तीन फंदे हो गए, फिर दो फंदे उल्टे। तो आ गया ना डिजाइन, देखो इस तरीके का। अब मेरे फिर सीधी सिलाई पे आ गई। अभी मेरी लास्ट घटाई होगी। तो देखो तीन का एक बना दिया, फिर एक दो तीन चार, चार सीधे आ गए, जाली डाल दी, फिर जाली डाल ली, फिर ये चार तीन सीधे हो गए, एक जाली के साथ चार सीधे होते हैं, जिसमें जाली बनाई उसको सहित चार सीधे हो गए। फिर दो फंदे मेरे उल्टे हो गए। एक दो तीन चार, अब इसकी घटाई इधर होती इसलिए इधर पहले चार आ गए, फिर जाली आ गई, तो एक ये हो गया, दो तीन चार। फिर इसको उतारूंगी और इन दो का एक कर दिया, इस फंदे को ऊपर से गिरा दिया। अब फंदे मेरे घट गए, मेरी एक डिब्बी पूरी हो गई, मैंने जितना बॉर्डर में बनाया ये इस तरीके से पूरा हो गया। फिर मैं बाद में ऊपर का डिज़ाइन बाद में बताऊंगी, पहले बॉर्डर पूरा हो जाएगा। अब कोई सीधा नहीं है, अब सीधा पहले घटाने वाले ही फंदे हैं। तीन का एक, फिर सीधे, इसको उतार दिया, इन दो का एक फंदा गिरा दिया, दो फंदे उल्टे, अब फिर तीन का एक, तीन फंदों का एक, फिर एक दो तीन चार, फिर जाली डाल ली यहाँ पे, फिर जाली डालनी है इसी फंदे पे, फिर अपने चार फंदे सीधे बना लिए, फिर दो फंदे बीच के उल्टे, फिर एक दो तीन चार, फिर जाली डाली, एक दो तीन चार, फिर ये फंदा उतार रहे ऐसे सिलाई पीछे डाल के ऐसे,
इस तरीके से। अब मेरे किनारे में एक तो मेरा एक्स्ट्रा है, अब एक फंदा मेरा बचा है। तो नौ फंदों का ऐसे होता है कि नौ फंदों का जैसे हमने आठ डाले हैं और एक दो जो हमने बीच में करे तो ये नौ नौ हो गए, एक इधर का और एक इधर के लिए, तो इसलिए दो फंदे बीच में उल्टे डाले हैं। तो टोटल कितने फंदों पे मेरा डिजाइन पड़ा है, तो मेरे फंद डिजाइन पड़ा है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस और एक के उल्टा लूँगे अट्ठाईस, अट्ठाईस फंदों पे मेरा डिजाइन पड़ा है। अगर आपको बीच में उल्टा नहीं डालना तो इसको आपको इसके साथ ही लगाना होगा, तो ये सत्ताईस फंदों पे डिजाइन पड़ेगा आपका। तो दो फंदे मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं बीच में, तो इस तरीके से ये डिजाइन पूरा हो गया। अब मैं उल्टी सिलाई लगा लूँगी, उसके बाद एक सिलाई मैं उल्टी लगाऊंगी, उसके बाद मैं डिजाइन शुरू करूंगी ये वाला। अब मुझे ये पत्ती, ये मेरे लास्ट की जो पत्तियां हैं ये बॉर्डर की साइड की, तो एक तो मुझे कट करनी है, इसके ऊपर मैं बॉर्डर बनाऊंगी, और दूसरी को मुझे ऊपर तक ले जाना है बॉर्डर के साइड में। देखो ये वाली पत्ती यहाँ जाएगी, ये डिजाइन अलग है, ये अलग है, ये नीचे से ही बॉर्डर में जो पड़ा है उसी में ही देखना है मुझे। अब आगे मैं डिजाइन दूसरे भाग में बताऊंगी, तो आज मैं सिर्फ बॉर्डर ही बता रही हूँ। तो आगे मैं ये डिजाइन कैसे डाला और ये बॉर्डर बताऊंगी, ये वाली पत्ती डालना बताऊंगी। तो थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज। इस तरीके से तीनों बॉर्डर मैंने बना के तैयार रखे हैं, एक पल्ला मेरा बन गया और पीछे का भी मैंने बॉर्डर बना के रखा, थोड़ा सा बना के रखा हुआ। आगे मैं फिर अगली वीडियो में बताऊंगी, अगली वीडियो का इंतज़ार करना। धन्यवाद।